हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो अभी मैं अपनी शॉप पे ही पहुँच गया, सीधा मैं अपने घर था, लेकिन वहाँ इंट्रोडक्शन कराने लगा और बारिश ऐसे फुल तेज़ बारिश हो रही है, फुल फुल। मैं अपनी शॉप पे इसलिए आया था, आज तो संडे छुट्टी है, लेकिन मैंने अपने लिए टी शर्ट वगैरह उठाना हो ना, तो इसलिए मैं आया था। और मोबाइल का वाटर प्रूफ कवर भी नहीं पड़ा हुआ, तो उठाते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो अभी हम लोगों ने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं और अभी जा रहे हैं हम नाश्ता करने, क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया। अभी 1 बजे अभी जाके हमारा नाश्ता होगा, नाश्ता करते हैं तो फिर आपको मिलते हैं, जाना था फिर बताते हैं आपको। कराची में जितनी बारिश नहीं आती उतना ज़्यादा पानी आता है, ये देखें सैलाब की तरह पानी जा रहा है, वो देखो। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सिल्क मॉल के अंदर। तो यहाँ मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ तो आपा हैं इमाम ऊपर, इसलिए यहाँ आता जाता हूँ तो कोई मना भी नहीं करता, क्योंकि आज तो वैसे भी संडे है, मार्केट बंद है, पीछे दुकान खुली हुई है। वो अपने दोस्त की है। ये कैसा लग रहा हूँ मैं, इसमें लग रहा हूँ ना पप्पू बच्चा है। तो अभी कज़न का फ़ोन आया था, कज़न ने बोला हाँ जाना है मज़ारे का। मैंने बोला हाँ देखता हूँ, अगर इधर जो दुकानदार है ना अपने दोस्त हैं, तो उसने बोला मैं आता हूँ तो बताता हूँ, अगर ये बोलते हैं तो जाना है तो उसको मैं मना कर दूँगा, अगर ये मना करते तो फिर उसके साथ मैं जाऊँगा मज़ारे का। तो ये भी आए नहीं है, ये भी घर में, घर से निकले हुए हैं, अभी आ जाएंगे, अल्लाह करे खैर करिए से कि पहुँचे, क्योंकि बारिश है फुल तेज़, पानी भरा हुआ है हर जगह। वो आ रहे बाइक पे, हालत ख़राब हो जानी है उनकी, तो मिलते हैं उनके आने के बाद। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, कज़न आ गया, कज़न ने बोला है आ जा चलें मज़ारे कायद जा रहे हैं हम। बारिश अभी तक रुकी नहीं है, बारिश चल रही है, ये भी फुल दरियाए सिंध बना हुआ है यहाँ पर। तो अभी हम जा रहे हैं मज़ारे कायद, देखो किस चीज़ पे जाते हैं हम। अपने मोबाइल का वाटर प्रूफ कवर भी उठा लिया, क्योंकि आगे काम आने वाला ही है। तो अभी हम जा रहे हैं मज़ारे कायद, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मज़ारे कायद का, हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। अभी हम जा रहे हैं यहीं अपने करीब में है पार्क, हेल्थ पार्क, छोटे छोटे हेल्थ पार्क जा रहे हैं अभी हम, तो हम वहीं जाते हैं, तो आपको वहीं मिलते हैं। ये हमारी पूरी फैमिली है यूट्यूब, ये हमारे कज़न हैं जिसके हाथ में कैमरा है, वो भी मेरा कज़न है, और ये जो जा रहे हैं ये भी हमारे कज़न हैं। और माशाल्लाह ये आगे का मौसम चेक करें, कितनी खूबसूरती खूबसूरती है, और बारिश भी हो रही है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कराची का बहुत प्यारा मौसम बना हुआ है, हम एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं हेल पार्क के अंदर, ये है रास्ता यहाँ से जाने का, फुल पहाड़ वाला पार्क है। एक यहाँ से रास्ता है, एक आगे जाके भी रास्ता आता है जहाँ से टिकट ली जाती है, हम जहाँ से जा रहे हैं यहाँ टिकट नहीं लेते। यहाँ पानी देखो यार, यहाँ के हालात देखो, ये जा रहे ऊपर को रास्ता, चलते हैं ऊपर आपको भी दिखाते हैं। हमें जाने दे ताकि ये हमारे कज़न बोल रहे हैं हमें आगे जाने दें, क्योंकि आपको हम ले आए हैं घुमाने के लिए। मैंने बोला ठीक है चलें आगे चलें आप। और ये एक पीछे कज़न घूम रहा है, वो भी अपनी वीडियो की क्लिप बना रहा है, ये भी अपने वीडियो की क्लिप बना रहा है, यूट्यूब पे इसने भी अभी भी शुरू किया। तो ऊपर जाते हैं आपको दिखाते हैं पहाड़ी पे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अंदर, चढ़ते चढ़ते हमारी टांगों की सही वाली वाट लग चुकी है। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से अंदर, अभी भी बहुत अंदर जाना है हम लोगों ने, व्यू चेक करें आप कराची का। ये कराची की निशानियाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, ये जो नज़ारा आ रहा है ना, हरियाली हरियाली, इसको देख के मुझे अपने गांव की याद आती है। क्या जगह है, ऐसा मज़ेदार जगह है उस्ताद जी, सरकते कहीं अलग ही दुनिया में आप आ गए हो, हरियाली ही हरियाली है चारों तरफ। तेरा राहुल आया है। ये है पार्क, यहाँ अंदर जाने की तो टिकट है, लेकिन इससे आगे अंदर भी यार, ये है पार्क, इधर अंदर सिर्फ फैमिली को छोड़ा जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं आगे, बहुत बड़ा पार्क है, आपको दिखाते हैं पूरा। ये है इसका फ्रंट अंदर जाने का, हम लोग अंदर आए तो जब इंटर हो रहे थे ऐसा लग रहा था कोई था नहीं, तो अभी हम अंदर जब दाखिल हो गए तो ऐसा रश नज़र आ रहा है, अल्लाह माफ़ करे, वीडियो शूट करने में भी अब शर्म आएगी। ये दूसरा गेट यहाँ से अंदर आने का, जहाँ टिकट ली जाती है अंदर आने की, हम तो बगैर टिकट के अंदर आए हैं। टिकट ये यहाँ से सीधा रास्ता अंदर जाने का हेल पार्क, चेक करें आप व्यू यहाँ का। तो अभी हम पार्क के मेन जगह पे पहुँच गए, और ये है तालाब यहाँ का जहाँ बदखें होती हैं,
मेरा कैमरा भी थोड़ा साफ़ नहीं हो रहा, मैं इसको साफ़ करके बताता हूँ आगे। तो ये है तालाब यहाँ का जहाँ बतखें होती हैं। बारिश फुल तेज़ हो रही है यहाँ पर, अभी फुल मज़े उठाए जा रहे। तल्ला, ये देखें यहाँ का व्यू देखें आप। और अभी हम और जगह जाते हैं, यहाँ से ऊपर ऊंची जगह पे आपको दिखाते हैं जहाँ से पूरा कराची दिखता है। पार्क के अंदर तो आ चुके हैं, माशाल्लाह काफ़ी रश है यहाँ पर। अभी हम जा रहे हैं ऊपर वाली साइड पे, आपको दिखाते हैं ऊपर जाके। आज हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, टांगों की सही वाट लग गई है हम लोग। टांगी कहाँ, अभी भी कांपे टांग रही हैं। और अभी भी हमने ऊपर जाना है, अच्छा खासा ऊपर जाना है, तो आपको जाते हैं ऊपर मिलते हैं। हाय हाय, बातें करते करते भी बंदा थक ही जाता है। तो आपने, हम पहुंच चुके हैं ऊंची तरीन जगह पे, अभी वो आगे जाके है, अभी जा रहे हैं हम यहाँ से। बहुत लंबा है यार, बहुत बड़ा पार्क है, बहुत ही बड़ा पार्क है। अब देखो कितना अंधेरा सा हो रहा है, फुल कराची में बारिश ही बारिश है, फुल कराची में, फुल आधे कराची में नहीं, फुल कराची में। उर्दू हमारी थोड़ी वीक है, टेंशन नहीं लेनी, आने वाले वीडियो में हमारी गलतियाँ ठीक होती रहेंगी, आपने टेंशन नहीं लेनी, सही है। तो अभी हम जाते हैं सबसे ऊंची जगह पे, दिखाते हैं आपको। ये है कराची, सब ये यहाँ से आप पूरा कराची देखने को मिलेगा आपको। और ये जो आप बिल्कुल सीधा देख रहे हैं ना, यहाँ से ना सीईओ पे है बैरियर टाउन बिल्डिंग, सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है, दिखती है लेकिन अभी नहीं दिख रही क्योंकि बारिश है, फुल अंधेरा चल रहा है इस टाइम पे। तो अभी हम ऊपर जाते हैं, इससे भी ऊपर जाते हैं, अभी हम पूरा ऊपर आए नहीं है, ऊपर जाते हैं। तो अभी हम पहुँचे गए इस पार्क की ऊंची तरीन जगह पे, यहाँ से आप पूरे कराची का व्यू ले सकते हैं। कराची ही कराची चारों तरफ है कराची। क्या मौसम हो रहा है, फुल सनमिक्सी सा मौसम हो रहा है। हम भी ले रहे हैं मज़े, आपको भी दिला रहे हैं मज़े साथ साथ में। चेक करें कराची, चेक करें आपसे। इस पार्क में वैसे कुछ खास है नहीं, लेकिन करीब यही पड़ रहा था तो हम इधर ही आ गए। हमने बोला चलो एक वीडियो शूट हो जाएगी, मतलब नहीं। तो अभी हम लोग वहाँ ऊँची जगह से फारिग होकर जा रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि अपना मोबाइल वाटरप्रूफ है नहीं, हमने पूरा रिस्क लिया हुआ है। और वीडियो बनाने के लिए तो आपके लिए तो करना पड़ेगा, वरना तो आपके लिए तो करना पड़ेगा ना। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी कर लें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, क्योंकि नए आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको पहुँचे। आगे जाते हैं, मैं आपको बोला था कि हेल्थ पार्क के पास एक ख़ास चीज़ दिखाऊंगा। ख़ास चीज़ ये देखें, जैसे आपकी किसी प्लेटें नज़र आ रही ना, जब से ये हुकूमत आई है ना, यहाँ के हर घर वाले ने शमसी प्लेटें लगा दी। हर घर में कम से कम 10 से ऊपर प्लेटें शमसी प्लेटें, क्योंकि बिल इतना महंगा हो गया, अल्लाह माफ़ करे। यहाँ देखें सब जगह, आप अक्सर जगह देखेंगे ना यहाँ पर शमसी प्लेटें लगी हैं, शमसी प्लेटें बिजली पैदा करने। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापसी घर, और बारिश फिर तेज़ हो गई है, फुल तेज़ बारिश चल रही है, आप देखें। अभी जा रहे हैं हम घर अपने, मिलते हैं आपको। हम लोग यहाँ आए थे इंजॉय करने, लेकिन इंजॉयमेंट तो समझो आधी ही हो गई। ज़्यादा नहीं, जिस मकसद से आए थे वीडियो बनाने के लिए वो बनी नहीं, तो वीडियो में कुछ खास है नहीं। तो मैं बोलूँगा कि जितनी भी वीडियो होगी तो आप कोशिश करना कि पूरी देखना, क्योंकि मेरे ख्याल में लंबी वीडियो होगी, इसमें से मैं कुछ पार्ट काट दूँगा। अभी हम लोग वहाँ पार्क से आ चुके हैं, बारिश अभी तक नहीं रुकी है यार, ये जगह चल रही है बारिश पे बारिश हो जा रही है। तो अभी हम लोग वहाँ से आ चुके हैं, और मसला एक हो गया है। मसला ये हुआ है कि इसके बैक कैमरों में भी पानी चला गया है, बिल्कुल ब्लर आ रहा है, और इसके स्पीकरों में भी पानी चला गया था। उसकी वजह से ना आपको आधी वीडियो सही सुनाई देगी और आधी वीडियो आपको आवाज़ कम सुनाई देगी, क्योंकि स्पीकर में पानी गया, उसकी वजह से ख़राब हो गई थी। लेकिन अभी स्पीकर तो साफ़ हो गया, अब कैमरों का मसला हो गया। तो अभी मैं जाता हूँ मोबाइल शॉप पे, मोबाइल वाले के पास, भाई बना के दे यार किसी तरह भी। तो अपने व्लॉग का करते हैं यही एंड, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो।